नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामाजिक अध्ययन विषय के साथ तैयारी की श्रृंखला में। तो दोस्तों, आज का हमारा सामाजिक अध्ययन विषय का टॉपिक है मौर्योत्तरकालीन भारत, गुप्तकाल, राजपूतकालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य। तो दोस्तों, ये टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग इसमें पहले राजपूतकाल, मौर्योत्तरकाल, गुप्तकाल और जो दक्षिण भारत के राजवंश रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ तथ्य जानेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमारा राजपूत वंश। तो राजपूत, अब तक के कितने राजपूत वंश हुए हैं, इसमें सारे राजपूत वंश के नाम दे रखे हैं और उनका राज्य क्षेत्र क्या था, उनके शासक कौन थे और उनकी विशेषताएँ क्या थी वो दे रखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो राजपूत वंश है वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार। तो दोस्तों, इसका जो राज्य क्षेत्र था वो भीनमाल, जो बाद में कन्नौज का एरिया जो इलाका है वो, ठीक है, भीनमाल वाला था, भीनमाल कन्नौज वाला इलाका था, ठीक है। और इसके प्रमुख शासक नागभट्ट प्रथम थे और इनका विशेषताओं में देखा कि संस्थापक थे, ठीक है, जो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी, ठीक है। और जो वत्सराज थे, इसके दूसरे राजा वत्सराज, इनको गुर्जर प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसको वत्सराज को, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय, इन्होंने कन्नौज पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया। और मिहिर भोज प्रथम, ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे, इनकी इन्होंने जो उपाधि धारण की वो थी आदिवराह प्रभास की उपाधि धारण की। इनके जो अभिलेख हैं वो है वराह जो ताम्रलेख है, और ग्वालियर अभिलेख, दौलतपुर अभिलेख और पेहोवा अभिलेख, ठीक है, जो कि पंजाब में। और दोस्तों, अगले शासक हैं महेंद्रपाल, इन्होंने जो उपाधि धारण की वो सकल कला निलय निर्भय राज की उपाधि धारण की थी महेंद्रपाल ने, ठीक है। और इनके जो दरबार के प्रमुख विद्वान थे वो थे राजशेखर, ठीक है, जो कि महेंद्रपाल के राजकवि भी थे और इनके राजगुरु भी थे, राजशेखर, ठीक है। महिपाल प्रथम, ये अलमसूदी ने महिपाल को बौर कहा था। और इन्होंने जो सास बहु अभिलेख वो निर्गत कराया था, किसने, महिपाल प्रथम ने, ठीक है। अगले शासक थे यशपाल, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है, यशपाल। इसके वास्तविक संस्थापक वत्सराज, और जहाँ से शुरू होता है गुर्जर प्रतिहार राजवंश, यानी कि उसकी स्थापना करी थी नागभट्ट प्रथम ने, और ये लास्ट वाले थे यशपाल, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश शुरू हो जाता है फिर, राष्ट्रकूट वंश, इसका जो प्रमुख राज्य क्षेत्र था वो मान्यखेट, ठीक है। इसकी जानकारी मिलती है राघनपुर अभिलेख जो गोविंद तृतीय के टाइम का था, संजन अभिलेख जो कि गोविंद चतुर्थ के टाइम का, ठीक है। दंत दुर्ग ने उपाधि धारण की थी खंडगांव लोक और पृथ्वी वल्लभ। दोस्तों, ये दंत दुर्ग जो राष्ट्रकूट शासक थे, इन्होंने हिरणगर्भ अनुष्ठान कराया था, ठीक है। कृष्ण प्रथम इन्होंने उपाधि धारण की थी शुभ तुंग अकाल वर्ष की। एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। ध्रुव, इनके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव थे, इन्हीं के समय में जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अमोघ वर्ष, ये इनका टाइम है 814 से 878 ईस्वी। इन्होंने उपाधि धारण की थी वीर नारायण की, नृपतुंग की। लेखनकार इनके टाइम में कौन करता था, कविराज मार्ग कन्नड़ भाषा में, रत्नमालिका संस्कृत भाषा में, और इन्होंने निर्माण किया था मान्यखेत नगर का, ठीक है। कृष्ण तृतीय, अगले राजा हैं कृष्ण तृतीय, इन्होंने उपाधि धारण की थी कांचीयूम तंत्र जया कुंड की उपाधि किसने धारण की थी, कृष्ण तृतीय ने, ठीक है। 949 ईस्वी में तक्कोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया था, किसने, कृष्ण तृतीय ने, ठीक है। अगले शासक हैं राष्ट्रकूट वंश के कर्क तृतीय, और ये अंतिम राष्ट्रकूट शासक थे कर्क तृतीय, ठीक है। अब शुरू हो जाता है दोस्तों पालवंश, इसका जो राज्य क्षेत्र था वो बंगाल गौड़ देश, इसका प्रमुख देश वो देश था, ठीक है, बंगाल, ठीक है। और इसके शासक थे, सबसे पहले पालवंश की स्थापना की थी राजा गोपाल ने, ठीक है, पहले राजा गोपाल ये संस्थापक थे। फिर आते हैं धर्मपाल, ये 770 से 810 ईस्वी तक का इनका टाइम पीरियड है, और इन्होंने उपाधि धारण की थी समकर की, परम सौगात, विक्रमशील, और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। फिर आते हैं देवपाल का टाइम है 810
से लेके 850 ईस्वी तक, और ये अपनी राजधानी को मुंगेर ले जाते हैं, मुंगेर को राजधानी बनाया। और जावा के शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक विहार भी बनवाया था, ठीक है। अब आ जाता है चौहान वंश, चौहान या साकंबरी के चौहान या सपदालच के चौहान, ठीक है। अहि छत्रपुर और अजमेर का प्रमुख राज्य क्षेत्र था, और चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ था। चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है जो वो पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है। वासुदेव, ये सपादलच का पहला शासक था वासुदेव, वासुदेव, ठीक है। वामपतिराज, ये महाराज की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे वामपतिराज, ठीक है। अजयराज, अजमेर का संस्थापक, जिन्होंने अजमेर की स्थापना की और अजमेर को अपनी राजधानी बनाई, किसने? अजयराज ने। अर्जोराज, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया था अर्जोराज ने, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज चतुर्थ ने उपाधि धारण की थी बीसल देव की, विश्वल की, कवि बांधो की, ठीक है। सिक्का, ये विसलप्री, सिक्का को विसलप्री कहते थे, निर्माता थे इसके सरस्वती मंदिर विद्यालय अजमेर में, और इनकी रचना हरिकेल है, ठीक है। इन्होंने निर्माण कराया सरस्वती मंदिर विद्यालय अजमेर में, सिक्का चलवाया विसलप्री, उपाधि धारण की विसल देव, विश्वल, कवि बांधो की, ये कौन? विग्रहराज, ठीक है। चतुर्थ ने इतने काम किए, ठीक। अब आते हैं पृथ्वीराज तृतीय, जिनका टाइम है 1177 से 1192, ये चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा, ठीक है। इनका उपनाम राय पिथौरा, ठीक है, इनको राय पिथौरा के नाम जाते थे। इनकी माता पिता कर्पूर देवी माता का नाम तथा पिता सोमेश्वर थे, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध इन्हीं के टाइम पे लड़ा गया 1191 ईस्वी में, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में, और इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। उसके बाद इसके एक वर्ष बाद 1192 में ईस्वी में फिर से तराइन का मैदान युद्ध होता है, और आमने सामने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान होते हैं इसमें। लेकिन इस युद्ध में परिणाम उल्टा होता है, पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया और उनकी हत्या कर दी। और इन्हीं के टाइम में जो इनके दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के, चंद्रप्रदाय, इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, ठीक है। अगला वंश है दोस्तों हमारा गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश, इसका प्रमुख राज्य क्षेत्र है कन्नौज, और इसके गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव, और इसके अंतिम शासक थे जयचंद, और गढ़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक गोविंद चंद्र थे, गोविंद चंद्र, ठीक है। अब गोविंद चंद्र जो कि गढ़वाल वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, इन्होंने उपाधि धारण की थी विविध विद्या विचार वाचस्पति, विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों? जो गढ़वाल वंश के राजा थे गोविंद चंद्र, ठीक है। उन्होंने, इनके मंत्री लक्ष्मीधर ने रचना की थी कृत्य कल्पतरु, ठीक है, लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु की रचना की थी। लक्ष्मीधर को मंत्र महिमा का आचार्य होना चाहिए, आश्चर्य कहा जाता था उनका, ठीक है, आचार्य होना चाहिए इसको। जयचंद्र, जयचंद्र 1194 में मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था, राजा जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित कर दिया था। सेन राजवंश, ये वही जयचंद्र थे दोस्तों जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान पर जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था तो इन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। अगला राजवंश है सेन राजवंश, विक्रमपुर, कर्ण सुवर्ण, लक्ष्मणवती, सारे बंगाल के क्षेत्र हैं, और ये सेन राजवंश के प्रमुख क्षेत्र थे, और इनकी स्थापना की थी सामंत सेन ने, सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। विजय सेन आते हैं फिर, विजय सेन, इनका टाइम होता है 1095 से 1158 ईस्वी तक, और इन्होंने जो उपाधि धारण की थी अरिराज वृषभ सब शंकर, अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि धारण की थी राजा विजय सेन ने, और इनके जो अभिलेख हैं वो देवपाणा का अभिलेख, बैरकपुर एवं पैकोर पैकार लेख, ठीक है, बैरकपुर एवं पैकार लेख, ठीक है, देवपाणा अभिलेख, बैरकपुर एवं पैकार लेख, ये विजय सेन, राजा विजय सेन के टाइम का है। बल्लाल सेन, अगले राजा हैं बल्लाल सेन, इन्होंने उपाधि धारण की थी गौड़ेश्वर की, गौड़ेश्वर की, इनके नाम लेखक थे इनके दरबार के दान सागर, अद्भुत सागर। लक्ष्मण सेन फिर आते हैं, इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो परम भागवत की थी, परम भागवत प्रमुख विद्वान थे। जयदेव जिन्होंने रचना की थी गीत गोविंद की,
श्रीधरदास, इन्होंने रचना की थी सदुक्ति, कर्णामृत की सदुक्ति, कर्णामृत की धोई इन्होंने रचना की थी पवनदूत की, हलायुद्ध, हलायुद्ध ने रचना की थी ब्राह्मण सर्वस्व की। अगला राजवंश है दोस्तों मालवा का परमार राजवंश, मालवा का परमार राजवंश दोस्तों, इनका प्रमुख क्षेत्र जो था वो था मालवा, ठीक है, धारा नगरी। संस्थापक थे इसके उपेंद्र राज, वास्तु संस्थापक हर्ष या सीयक द्वितीय को माना जाता है। फिर आते हैं वाक्पति मुंज, वाक्पति मुंज इनको वाक्पति द्वितीय भी कहा जाता है। उपाधि धारण की थी इन्होंने अमोघ वर्ष की, कवि वर्ष रचना मुंज प्रति, देश व्यवस्था इनकी रचना है। प्रमुख विद्वान थे इनके दरबार के पद्मगुप्त, प्रमुख विद्वान थे पद्मगुप्त, पद्मगुप्त नव साहक चरित की रचना की थी इन्होंने। धनिक, धनिक ने रचना की थी काव्य निर्णय, दस रूपावलोक, दस रूपावलोक की रचना धनिक ने की थी। धनंजय, धनंजय ने दस रूपक की रचना की थी। धनपाल, तिलक मंजरी, धनपाल ने तिलक मंजरी रचना की थी। अगले शासक हैं सिंधुराज, इन्होंने उपाधि धारण की थी नौ सहसांक की कुमार नारायण की, इनके राजकवि थे पद्मगुप्त। फिर आते हैं भोज, राजा भोज, इनका टाइम है 1010 से 1050 ईस्वी तक, उपाधि कविराज की, त्रिभुवन नारायण की धारण की इन्होंने। इनकी पुस्तकें हैं सरस्वती, कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, राज मृगांक, शब्दानुशासन, तत्व प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक, श्रृंगार प्रकाश, युक्तिकल्प, समरांगण सूत्र, और इन्होंने निर्माण किया भोजपुर नगर का, भोजसर झील का, भोजशाला का, सरस्वती कंठाभरण मंदिर का, ठीक है, राजा भोज ने। अगला वंश है दोस्तों चंदेल, चंदेल ठीक है, इनका जो प्रमुख क्षेत्र है वो बुंदेलखंड का, ठीक है, खजुराहो वाला। इसके संस्थापक थे नन्नुक, नन्नुक संस्थापक थे चंदेल वंश के, और इनके वास्तविक संस्थापक धंग को माना जाता है, धंग को, और इन्होंने सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग अपने लेखों में कराया था, ठीक है, चंदेल वंश के टाइम शुरू होता है। धंग बात करें राजा धंग की तो इनकी जो उपाधि है वो काल जराधिपति, कालन जराधिपति की उपाधि धारण की थी राजा धंग ने। इनके जो अभिलेख है वो खजुराहो लेख है, नन्नौरा लेख है, और इनका जो सबसे पहला काम था वो ग्वालियर विजय था, सबसे निर्माण कराया था उन्होंने खजुराहो के मंदिरों का, ठीक है, खजुराहो मंदिरों का। फिर आते हैं परमर्दिदेव, परमर, ठीक है, परमर्दिदेव, राजा परमर्दिदेव, इनके राजा परमल के टाइम के प्रसिद्ध योद्धा थे आला और ऊदल, आला और ऊदल, ठीक है, इनकी कहानियाँ प्रचलित हैं। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमर्दिदेव को पराजित कर कालंजर पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। अब आता है चालुक्य, सोलंकी वंश, ठीक है, चालुक्य सोलंकी वंश, उनकी जो राजधानी थी वो अनहिलवाड़ गुजरात में थी, ठीक है, अनहिलवाड़ गुजरात, और इसके संस्थापक थे मूलराज प्रथम। इसमें चालुक्य सोलंकी वंश के पहले शासक हैं भीमदेव प्रथम, इनके सामंत विमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कराया। भीमदेव प्रथम के सामंत थे विमल शाह, इन्होंने ही आबू पर्वत पर जैन दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, ठीक है, भीमदेव द्वितीय इन्हीं के टाइम पे आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर। भीमदेव द्वितीय ये अंतिम शासक थे चालुक्य वंश के, और इन्होंने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था, और ये 1197 में तुर्कों से पराजित हो गए थे, ठीक है, भीमदेव द्वितीय। तो यहीं से इनका टाइम खत्म हो जाता है। अगला राजवंश है कल्पुरुचेदी राजवंश, कल्पुरुचेदी राजवंश, इनका जो राज्य क्षेत्र था वो त्रिपुरी, ठीक है, डाल या दहाल मंडल, और इसके संस्थापक वाम राजदेव, और वास्तविक संस्थापक कोक्कल प्रथम, कोक्कल प्रथम थे। युवराज प्रथम अगले राजा हैं कल्पुरुचेदी राजवंश के, इनके प्रमुख विद्वान थे इनके टाइम के राजशेखर का, जिन्होंने रचना की काव्य मीमांसा और विद्यसाल मंजिका की, ठीक है, विद्यसाल भंजिका की। अगले राजा गांगेय देव, इनका टाइम है 1019 से 1041 ईस्वी तक, और इन्होंने सोने का सिक्का चलाया, समर सिक्का चलाया। उपाधि धारण की किस गांगेय देव ने, विक्रमादित्य की, और त्रिकालिंगाधिपति की उपाधि धारण की गांगेय देव ने। अगला राजवंश है कारकोट वंश, कारकोट वंश, इसका क्षेत्र कश्मीर, पुरवरपुर
संस्थापक थे दुर्लभवर्धन दुर्लभवर्धन। अगले शासक ललितादित्य मुक्तापीठ, टाइम है इनका 724 से 760 ईस्वी तक, और निर्माण कराया इन्होंने परिहासपुर का, जिसका परसपुर कहते हैं, और मारतंड का सूर्य मंदिर बनाया था ललितादित्य मुक्तापीठ ने, ठीक है। अगला राजवंश है उत्पलवंश, उत्पलवंश इसका क्षेत्र है कश्मीर, इसके शासक हैं अवंती वर्मन, और इन्होंने अवंतीपुर की स्थापना की, अवंतीपुर की स्थापना रानी दिद्दा उत्पलवंश की शासिका थी, और इनको एक दुराचारिणी महिला कहा जाता था, और इन्होंने दिद्दा एवं कनकनपुरा नगरों की स्थापना की थी, ठीक है। लोहार वंश, अगला वंश है लोहार वंश, इसका क्षेत्र भी कश्मीर है, और इसके संस्थापक संग्राम राज थे, संग्राम राज ने लोहार वंश की स्थापना की। हर्ष इस वंश का महानतम शासक था, तो जो राजा हर्ष थे वो लोहार वंश के सबसे महान राजा हुए। अब देख लेते हैं राजपूतकालीन संस्कृति एवं प्रशासन के बारे में, ठीक है। सबसे ऊपर होता था सामंतों की श्रेणियां, महामंडलेश्वर, जो कि 100,000 गांव के प्रमुख होते थे, ठीक है। महामंडलेश्वर और सामंतों की श्रेणियां राजपूत काल में प्रशासन के सबसे ऊंचे स्तर पे थे, ठीक है। उसके बाद थे मांडलिक, जो कि 50,000 गांव के प्रमुख होते थे। सबसे पहले महामंडलेश्वर, जो कि 100,000 गांव के प्रमुख होते थे, उसके बाद मांडलिक होते थे, मांडलिक जो कि 50,000 गांव के प्रमुख होते थे, उसके बाद आते थे महासामंत, जो कि 20,000 गांव के प्रमुख होते थे। संख्या घटती जा रही है, महासामंत 20,000 गांव के प्रमुख, फिर उसके बाद सामंत 10,000 गांव के प्रमुख होते थे, सामंत जो होते थे, उसके बाद लघु सामंत जो कि 5,000 गांव के प्रमुख होते थे, उसके बाद चतुरांशका, ये जो चतुरांशका होते थे वो 1,000 गांव के प्रमुख होते थे, ठीक है। और इस टाइम के प्रमुख उद्योग धंधे थे कौसे और छेम। कौसे और छौम क्या होता था, रेशों से बना कपड़ा, उसको कौसे और छौम कहते थे, दुकूल, और जो पौधों के रेशों से बना हुआ कपड़ा होता था उसको दुकूल कहते थे, लाल तुंज अंशुक एवं चिनासुक ये रेशमी वस्त्र थे, रेशमी बरोज, बरोज कहते थे भड़ौच में बने वस्त्रों को, ठीक है। खंतायत एवं तुकराम, और ये खंतायत एवं तुकराम खम्बात में बने वस्त्रों को कहते थे। अब दोस्तों बात करें अगर मंदिर शैली की, मंदिर शैली की, तो सबसे पहले उसमें नाम आता है नागर शैली का, नागर शैली का, नागर शैली का विस्तार क्षेत्र है हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक। और इस शैली को कुछ और नाम भी हैं, जैसे आर्य शैली, पर्वतीय शैली, लाट शैली, कलिंग शैली, नागर शैली को ही के नाम है। इसकी विशेषताएं हैं दोस्तों, वर्गाकार आधार, वर्तुलाकार आमलक, वक्र रेखाई शिखर, स्वास्थ्य आकार की योजना, प्रमुख मंदिर, इसमें जो प्रमुख मंदिर है नागर शैली के वो हैं जयपुर का वैराट मंदिर, दिनाजपुर का वैग्राम मंदिर, गुजरात का गोप मंदिर, ये नागर शैली के से निर्मित मंदिर है, ठीक है। बात करें द्रविड़ शैली की, तो द्रविड़ शैली का प्रसार क्षेत्र है कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, और इसका प्रारंभ हुआ था पल्लव कला से, पल्लव कला से, और ये अपने चरम पे पहुंची चोल कला में, द्रविड़ शैली चोल कला के टाइम, चोलों के टाइम में ये अपने चरमोत्कर्ष पे थी, यानी कि उस टाइम में सबसे ज़्यादा इस शैली के मंदिर बने। विशेषताएँ हैं इसकी कुंभ पंजर, उस पीठ पिरामिड आकार का शीर्ष, ठीक है, गोपुरम शिखर के ऊपर स्तूपिका, और दोस्तों द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर हैं कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, ठीक है। अब बात करें दोस्तों वेस्टर शैली की, वेस्टर शैली की, तो इसका प्रसार हुआ जिस क्षेत्र में वो है विंध्य से कृष्णा नदी तक, विंध्य से कृष्णा नदी तक, और इसका उद्भव होता है बौद्ध चैत्यों से, ठीक है, बौद्ध चैत्य जो थे वो वेस्टर शैली से बने थे। विशेषताएँ इसकी द्रविड़ और नागर शैली का मिश्रण है ये, ठीक है, जो ऊपर द्रविड़ और नागर शैली देखा उतना उन दोनों की ही विशेषताएँ इसमें पाई जाती थी, ठीक है। इसको अन्य नाम है वराट शैली, कर्नाटक द्रविड़ शैली, चालुक्य शैली, ठीक है। इसकी दो उपशैलियाँ भी, उत्तरी कर्नाटक शैली और दक्षिणी कर्नाटक शैली, ठीक है। अगला है दोस्तों चंदेल कला, चंदेल कला, ठीक है, इसका मुख्य केंद्र खजुराहो था, खजुराहो, और चंदेल कला से निर्मित मंदिर हैं शिव वैष्णव सावत जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल कला में किया गया। निर्माण ग्रेनाइट एवं लाल गुल्ला पत्थर से होता था। इसमें शैली जिसका प्रयोग किया जाता है कंदरिया महादेव, ललगुआ एवं मतंगेश्वर मंदिर में इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर, ललगुआ एवं मतंगेश्वर मंदिर, ठीक है। शाक्त धर्म, शाक्त धर्म में 64 योगिनी मंदिर, जगदम्बिका मंदिर। वैष्णव मंदिरों की बात करें तो चतुर्भुज मंदिर एवं वैकुंठ मंदिर। जैन मंदिर की बात करें तो घटाई, पार्शनाथ, आदिनाथ शंकर, आदिनाथ मंदिर, सॉरी जैन मंदिर है। सूर्य मंदिर की बात करें तो चित्रगुप्त मंदिर, और इसके निर्माता थे गंड। दोस्तों चंदेल कला में बौद्ध मंदिर नहीं बनाए गए, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रकूट कला, राष्ट्रकूट कला इसका प्रमुख केंद्र था
एलोरा एलिफेंटा जोगेश्वरी तथा मंडपेश्वर एलोरा का कैलाश मंदिर इसी कला का उदाहरण है। इसकी स्थिति थी जो दोस्तों वो औरंगाबाद महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में थी। इसके जो निर्माता थे वो कृष्ण प्रथम थे और इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य, भारतीय उपमहाद्वीप में गुफा स्थापत्य का चरमोत्कर्ष, शैल वास्तु का अद्भुत उदाहरण आदि कहा जाता है इसको, ठीक है, राष्ट्रकूट कला को। और इसकी विशेषता ये थी कि एक ही पत्थर को काट के बनाया जाता था, ठीक है, राष्ट्रकूटों के टाइम जो मंदिर बने उसको एक ही पत्थर को काट के बनाया जाता था। जो एलोरा का दशावतार मंदिर है इसके निर्माता है दंतदुर्ग, ये राष्ट्रकूट कला का उदाहरण है। और एलोरा की गुफाएँ जो हैं विश्वकर्मा गुफा, गुहा मंदिर, इंद्र सभा, जगन्नाथ सभा, ये सभी राष्ट्रकूट कला का ही नमूना है, ठीक है। अब इसमें बात करें दोस्तों मौर्योत्तर काल की, मौर्योत्तर काल की तो मौर्योत्तर में आता है शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मार के की थी, ठीक है। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग मौर्योत्तर से मौर्य के बाद का जो काल रहे उनकी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मौर्य काल के बाद में जस्ट आता है शुंग वंश, स्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, वह शासक जिसकी जीवनी का उल्लेख प्रसिद्ध पुस्तक गाथा सप्तशती में है। तो सातवाहन राजा हाल का वर्णन गाथा सप्तशती में है, ठीक है। सातवाहन शासकों ने तांबे व कांसे के अलावा चलवाए, जो सातवाहन शासक थे उन्होंने तांबे के कांसे के सिक्के तो चलाए, इसके अलावा उन्होंने सीसा तथा प्रोटीन के सिक्के भी चलवाए, ठीक है। वह विदेशी शासक जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम सिक्कों पर राजाओं के चित्र व तिथि लेखन की प्रथा की शुरुआत की। तो दोस्तों हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर राजाओं के चित्र व तिथि लेखन की प्रथा का आरंभ किया, ठीक है। कुषाणों की एक राजधानी पेशावर जिसको पुरुषपुर भी कहते हैं, पेशावर थी एवं दूसरी राजधानी थी मथुरा। तो कुषाण राजाओं की राजधानी पेशावर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी, ठीक है। इतिहास में कनिष्क का नाम मुख्यतः दो कारणों से प्रसिद्ध है। पहला, उसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, और दूसरा कारण पूछ रहा है कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपूर्ण एवं संरक्षण किया, ठीक है। तो कनिष्क के टाइम में बौद्ध धर्म को पनपने और फलने फूलने का मौका मिला। प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री थे। तो दोस्तों इतिहास में जितने भी वैद्यों और चिकित्सा शास्त्रियों का नाम आता है चरक का नाम भी लिया जाता है, तो प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री चरक थे। चतुर्थ, बौद्ध संगीत का उपाध्यक्ष अशोकघोष थे, अशोकघोष कनिष्क का मंत्री। तो दोस्तों कनिष्क के मंत्री का नाम मथुरा था, मथुरा, ठीक। चतुर्थ बौद्ध संगीत का अध्यक्ष वसुमित्र, ठीक है। दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, ठीक है। संगम कविताओं में मुविंदार एक तमिल शब्द की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया, ठीक है। मुविंदार का अर्थ होता है दोस्तों तीन मुखिया, जिसमें मुविंदार कहा जाता था चोर चेल पांडे को, ठीक है। तीनों शासकों को मिला के मुविंदार कहा जाता था, इसका मुविंदार शब्द का अर्थ ही होता है तीन मुखिया, ठीक है। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे, तो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जिसने चलाए थे वो कुषाण थे, ठीक है, कुषाण शासक जिन्होंने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए। दक्षिण भारत में काली मिर्च का व्यापार रोमन साम्राज्य से किया जाता था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च इतनी प्रिय थी कि वहाँ उसे कहा जाता था काला सोना, ठीक है। एक शिल्पकारों का समूह या संघ होता था, श्रेणी, तो शिल्पकारों के समूह को श्रेणी कहते थे, ठीक है। मौर्योत्तर काल में रेशम बनाने की कला की खोज हुई थी लगभग 7000 साल पहले। संगम का शाब्दिक अर्थ होता है साहित्यकारों की सभा को संगम कहा जाता है। एक प्रसिद्ध पत्तन बंदरगाह था अरिकामेरू, दोस्तों दक्षिण भारत का एक प्रथम प्रसिद्ध बंदरगाह था। लगभग 2000 वर्ष पूर्व वे शासक जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे वो कुषाण थे, ठीक है। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक चरक थे, ठीक है। चरक वह विदेशी कला जिसका प्रभाव गांधार कला पर है, तो वह विदेशी कला यूनानी कला है जिसका प्रभाव गांधार कला पर देखने को मिलता है। एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, उसको क्या कहते हैं, एम्फोरा, ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम प्रसिद्ध था। तो दोस्तों कंबल के लिए प्रसिद्ध था उत्तर पश्चिम का क्षेत्र। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखी। सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयी भाषा प्राकृत हुआ करती थी। शक विजेता किसे कहा जाता था, शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था, जिन्होंने शकों को हराकर सकार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे फाहयान जो विदेशी यात्री था भारत आया था।
प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, परम भागवत की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए, सबसे पहले सिक्के चलाए चंद्रगुप्त प्रथम ने, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौ सैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, तो दोस्तों वो चोल था, चोल, ठीक है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है, तो दोस्तों जो इलाहाबाद से प्राप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ये समुद्रगुप्त, राजा गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त थे, इनके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। अब कालिदास किसके शासनकाल में थे, तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में थे, ठीक है। सेलुकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, अलेक्जेंडर सिकंदर के द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने हराया था, तो दोस्तों सेलुकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, ठीक है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, तो जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, ठीक है। कवि बाण निवासी थे, तो जो कवि बाण भट्ट थे वो निवासी थे पाटलिपुत्र के, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था, तो दोस्तों जो पाटलिपुत्र का चंद्रगुप्त का महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। उत्तरी एवं पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, तो तांबे के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने, ठीक है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो दोस्तों ये सातवाहन, मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन वंश था, ठीक है। शक संवत आरंभ होता है 78 ईस्वी से, शक संवत आरंभ होता है। विक्रम संवत कब से आरंभ होता है, ये 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत आरंभ होता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है, ठीक है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, तो बिना बेगार के यानी कि बेगार नहीं कराई गई थी, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। वर्तमान में कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य, दोस्तों जो वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर है वो ग्रिगेरियन कैलेंडर है जो दुनिया भर में प्रचलित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है। शक वर्ष संवत का प्रथम माह होता है चैत, तो दोस्तों जो हिंदी महीने हैं उसमें पहला महीना होता है चैत से शुरुआत होती है। शक वर्ष संवत का अंतिम माह होता है फागुन, फागुन के बाद फिर चैत आता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है, काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से, ठीक है। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम में फैला था, तो दोस्तों ये रिपीट हुआ है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पे था, ठीक है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो शुंग वंश के बाद आता है दोस्तों कणवा वंश, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों गुप्त काल की, ठीक है। अभी था मौर्योत्तर काल जिसमें मौर्य के बाद आया था शुंग वंश, उसके बाद आया कण्व वंश। गुप्तकाल समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किन अभिलेखों में उपलब्ध है, तो ये प्रयाग के अभिलेखों में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया, हूणों को पराजित करने वाला गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त। गुप्तकाल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था, तो दोस्तों ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह था जिससे गुप्तकाल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था, ठीक है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। कौन गुप्तकाल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता था, तो दोस्तों गुप्तकाल में सुश्रुत अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता था। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है, मीमांसा दर्शन क्या कहता है दोस्तों कि मुक्ति कर्म से संभव है, ठीक है। गुप्तकाल में संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत, तो दोस्तों स्त्रियों को और शूद्रों को संस्कृत भाषा बोलने और पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसीलिए स्त्री और जो शूद्र वर्ण के लोग थे वो प्राकृत भाषा ही बोलते थे। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है, तो दोस्तों गुप्त काल था, ये अपने जो निर्माण और स्थापत्य कला के कारण स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम नाटक का नायक अग्निमित्र था, ठीक है। मालविकाग्नि मित्रम का नाटक का
जो नायक था वो अग्निमित्र था और जो इसकी नायिका थी वो मालविका थी। ठीक है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण के से अत्यंत विचलित हुआ था? तो गुप्त। दोस्तों हूणों ने आक्रमण किया था गुप्त राजवंश के शासकों पे, और जो हूणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य है, सांख्य। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे वो गौतम थे, ऋषि गौतम। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो हूणों ने आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में, जो कि गुप्त वंश के शासक थे, और इन्होंने हूणों को पराजित किया था। ओके, गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषय की रचना की? तो दोस्तों सुश्रुत ने की थी, रिपीट हुआ है पॉइंट। विक्रम एवं शक समतों में कितना अंतर, यानी कि वर्षों में विक्रम और शक समत में कितना अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है इसमें भी। ठीक है, 135 वर्ष का। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो गुप्त वंश का टाइम पीरियड जो है दोस्तों वो 319 से 550 ईस्वी तक है, 319 से 550 ईस्वी तक। ठीक है, किसके शासनकाल में हूणों ने भारत पर हमला किया? तो हूणों का जो आक्रमण था स्कंदगुप्त के टाइम में हुआ। गुप्त काल का कौन सा शासक नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, किस शासक वंश ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये गुप्त वंश ने। ठीक है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर उपज का छठा भाग होता था, जो कि कर के रूप में लिया जाता था, उपज का छठा भाग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र उज्जैन था गुप्तोत्तर युग में। बाल विवाह प्रथा आरंभ होती है गुप्त काल से। ठीक है, दक्षिण भारत चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग। तो दोस्तों दक्षिण भारत के जो ये वंश थे राजवंश चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग, इनके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है तोल कापियम ग्रंथ संबंधित है, ये तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से, व्याकरण और काव्य से। ठीक है, तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो कुराल को लघुवेद की संज्ञा दी गई है, जो कि एक तमिल ग्रंथ है। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखा था? तो जो टोट वारियम, ठीक है, ये वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। ठीक है, टोट वारियम। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? तो दोस्तों कुलोत्तुंग प्रथम थे जिन्होंने श्रीलंका को स्वतंत्रता दे दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। चोल राजाओं में किस राजा ने सीलोन पर विजय प्राप्त की? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने सीलोन पर विजय प्राप्त की। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। ठीक है, जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं भगवान की उनकी आकृति चतुर्भुजाकार की। ठीक है, चोल के अधीन ग्राम प्रशासन में बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में वे कहाँ हैं? तो उत्तर मेरूर में है, वो उत्तर मेरूर में, जिसमें ग्राम प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है। किसको दक्षिण भारत में विशेषकर चोल युग के स्थापत्य की विश्व में श्रेष्ठ रचना माना जाता है? तो जो नटराज की मूर्ति है उसको चोल युग के स्थापत्य की विश्व में श्रेष्ठ रचना माना जाता है। ठीक है, नटराज की मूर्ति को। किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप कर दिया? बंगाल की खाड़ी को, तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। ये तृतीय संगम हुआ था मदुरई में, ठीक है। चालुक्य पल्लव राष्ट्रकूट और सातवाहन में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। ठीक है, दक्षिणी राज्य का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में, तक्कोलम का युद्ध हुआ था। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो दोस्तों ये चोल वंश के जो शासक थे वो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जैसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये स्थित है उज्जैन में। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। ठीक है, उसको तोरण कहा जाता है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लव के द्वारा बनवाया गया था महाबलीपुरम का मंदिर, जो कि चट्टानों को काट के बनाया गया था। 72 चीनी व्यापारी चीन में किसके काल में भेजे गए थे? तो ये जो 72 चीनी व्यापारी थे वो कुलोत्तुंग फर्स्ट के टाइम पे भेजे गए थे। ठीक है,
किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो सबसे अच्छी ग्राम प्रशासन की व्यवस्था चोलों के टाइम पे थी, ठीक है। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है, तो इसको 6034 ईस्वी, ठीक है। ये माइनस में ब्रैकेट में 556 प्लस 78 इज इक्वल टू 634 ईस्वी, ठीक है। इसका तुल्य वर्ष है ये 556, शक संवत का वर्ष अगर 556 दिया हुआ है तो उसका तुल्य वर्ष 634 ईस्वी आएगा, ठीक है। ऐसे नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का, ठीक है। चोल कला का उत्कृष्ट उदाहरण नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो चोल साम्राज्य को समाप्त किया था मलिक काफूर। खजुराहो के मंदिर को किसने बनवाया था? खजुराहो के मंदिर को चंदेलों ने बनवाया था, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था खजुराहो का, ठीक है। दक्षिण भारत में किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था? पांडव, ठीक है। इन्होंने जो पांडव वंश पांडव राजा ने भेजा था रोम राज्य में अपना एक राजदूत। संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था? तो दोस्तों जो उरायूर विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरायूर, ठीक है। प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, तो सबसे अच्छी नौसेना व्यवस्था थी चोलों के टाइम पे, ठीक है। अगला पॉइंट है चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। तो दोस्तों जो चोलों के टाइम में बनी थी उसमें सबसे अधिक प्रचलित है नटराज शिव की कांस्य की बनी हुई प्रतिमा, ठीक है। ये अंतिम पॉइंट है गाँव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया किसने किया? दोस्तों कट गई लाइन, हम पढ़ देते हैं। गाँव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो ये द्रविड़ों ने किया था दोस्तों, द्रविड़ों ने, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।